Hello students, how are you? Hopefully you all are good. Yesterday we have learnt how to do antonyms and what is the definition of antonyms, and we did so many examples of antonyms. Today we will do synonyms. So many students want to do synonym, so today I am here with synonym. First of all, we will learn what is synonym. Synonym means होता है, synonym means पर्यायवाची. Synonym means पर्यायवाची, जिसका same meaning होता है, that is called synonym. First definition is, a synonym is a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word. एक सिनोनियम वो वर्ड होता है या वो फ्राज होता है जिसका मीनिंग बिल्कुल जो वर्ड है उसी के समकक्ष होता है और फ्राज इन द सेम लैंग्वेज. आई थिंक नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर. वी विल रिवाइज इट. ए सिनोनियम इज ए वर्ड और ए फ्राज. ए सिनोनियम इज ए वर्ड और ए फ्राज. That means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. उसी language में दूसरे शब्द का meaning भी लगभग वही होता है. That is called synonym. Concept clear? Now we will learn one more definition. Synonyms are two different words that have or very similar meaning. Synonyms वो शब्द होते हैं, अलग अलग words होते हैं जिनका meaning बिल्कुल एक समान होता है. Concept clear? जिनका meaning एक होगा लेकिन उनके words अलग अलग होंगे. That is called synonym. Now I am telling you few examples. इसमें कुछ examples ऐसे हैं बच्चों जो आप first time देख रहे होंगे, हो सकता है आपने देखे भी हों but वो आपके लिए new होंगे. Alike, same. Alike मतलब समान, same भी समान. Alike, same. Clear? Second one is awful, terrible. Awful, भयानक. Terrible, डरावना. तो लगभग वही मीनिंग हो गया. सो इट इज ऑफुल इज द सिनोनियम ऑफ टेरेबल एंड टेरेबल इज द सिनोनियम ऑफ ऑफुल. क्लियर? थर्ड वन इज बिगिन, स्टार्ट. शुरू करना, स्टार्ट आरंभ करना, सेम. बोथ आर द डिफरेंट वर्ड्स, बिगिन एंड स्टार्ट, बट बोथ हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग. कॉन्सेप्ट क्लियर? बेस्ट, ग्रेट. बेस्ट अच्छा करना एंड ग्रेट बढ़िया करना. तो ये भी डिफरेंट वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग जो है समान है. सो ये भी हमारे सिनोनियम है. चाहे आप ग्रेट का बेस्ट कह लीजिए या बेस्ट का ग्रेट. आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनोनियम इज क्लियर. स्माइल, ग्रीन. स्माइल, ग्रीन. स्लिप, स्माइल का सबको पता है मुस्कुराना, ग्रीन माने भी मुस्कुराहट. स्लिप, नैप. स्लिप मीन्स सोना और नैप मीन्स झपकी लेना. जैसे दोपहर में सो जाते हैं ना, कहते हैं झपकी ले लें. गहरी नींद नहीं सोते बहुत देर के लिए, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए सो जाते हैं तो उसको बोलते हैं नैप. नैप मतलब झपकी लेना. स्टोर, इकट्ठा करना. शॉप, शॉप में बहुत सारा सामान इकट्ठा होता है तो shop is the similar of store or store is the similar of shop. So both are the different words for one meaning. Okay? Chair, seat. Chair पे भी बैठने का काम करते हैं and seat पे भी बैठने का काम करते हैं. Both different words but have the same meaning. Chair, seat and one another. Delicious. जब आपकी मम्मी कुछ भी अच्छा खाना बनाती है, इन दैट टाइम यू विल से डिलीशियस. क्या कहेंगे आप? डिलीशियस. और उसको हम दूसरा वर्ड क्या देते हैं? यम्मी.
क्या देते हैं? यम्मी। यम्मी कहो या डिलीशियस कहो, दोनों का मतलब ही स्वादिष्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? सम मोर, लाफ हंसना, गिगिल। गिगिल देखिए ये बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ये मैंने आपको पिछली बार भी एक बार चैप्टर में आया था, आपको पढ़ाए थे, आपने पढ़े भी होंगे और इसके बारे में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज दूंगी। लेकिन लाफ और गिगिल, गिगिल बहुत सारे हंसने की जो अलग अलग तरीके होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर लाफ का गिगिल हंसना, ठाके मार के हंसना। फूल इडियट, फूल मतलब मूर्ख और इडियट मूर्ख। एंड फिनिश, सबको पता है, स्पीक टॉक, यू हैव नो अबाउट इट। सेफ सिक्योर, सेफ सिक्योर। ऑल एवरी, ऑल एवरी। ट्रिप जर्नी, ट्रिप यात्रा करना, जर्नी यात्रा करना। स्टोन रॉक, स्टोन मीन्स होता है पत्थर और रॉक मीन्स होती है चट्टान, लेकिन दोनों ही हार्ड होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के समकक्ष हैं। चट्टानों को ही तोड़ते हैं तो वहीं से पत्थर बनते हैं, तो ये एक दूसरे के समकक्ष हो गए। बोथ आर द सिनोनियम ऑफ ईच अदर। एग्जिट लीव, कहा जा रहा है आपको कि रूम को एग्जिट, अपने ग्रुप को एग्जिट मत करिए, यानी कि लीव मत छोड़िए। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था सिनोनियम का, आई जस्ट थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आपके लिए मैं ऐसे डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स लेकर आने वाली हूँ। कल मैं सोच रही हूँ या आज ही आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो डालने वाली हूँ, जो कि आपकी होगी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द इंग्लिश। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इंग्लिश की जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिल सकें। होपफुली यू लाइक दिस एंड डू लाइक कमेंट एंड शेयर इट। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरी डेली अपडेट्स मिलती रहें। और रेडी रहिए, कल आपको एक बहुत ही अच्छी नई वीडियो मिलने वाली है बहुत ही जल्दी, जिसमें आप अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे, जो भी हमारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? होपफुली यू लाइक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।